पोको एक्स फोर प्रो 5G, ये मोबाइल फोन अपने आप में बहुत जबरदस्त फ्लैगशिप की क्वालिटीज वाला फोन है। सिर्फ अगर इसमें कोई चीज नहीं है फ्लैगशिप की बराबरी की तो वो सिर्फ प्रोसेसर है, और मगर प्रोसेसर भी जो इसमें दिया गया है जो प्राइस है प्राइस को जस्टिफाई करता हुआ प्रोसेसर है, मगर बाकी क्वालिटीज बाकी चीजें बाकी फीचर सभी चीजें बहुत ज्यादा एडवांस दे दी है इस छोटे से प्राइस रेंज में। अभी इस टाइम पे ज्यादातर कंपनी में कुछ बॉक्स में आता नहीं है, इसमें बहुत कुछ मिल रहा है। आइए बॉक्स से स्टार्ट करते हैं कि इसके बॉक्स में है क्या क्या। आप नए हो अगर तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, अगर नहीं की हो तो पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा फिर नोटिफिकेशन बेल आएगी उसको ऑन कर लीजिएगा। ऐसे टेक अपडेटेड न्यूज सब चीजें मिलती रहेंगी आपको। आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले इसके बॉक्स में आपको 67 वॉट्स का फास्ट चार्जर मिलता है, एक ट्रांसपेरेंट केस और उसके साथ साथ मोबाइल में आपका प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी है। अब हम लोग डिस्प्ले पे आते हैं। इसका डिस्प्ले 6.67 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जिसमें 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। मतलब निट्स तो अब तक के समझ ही गए होगे, अगर नहीं पता है जो ब्राइटनेस होती है मोबाइल को उसको निट्स में मेजर किया जाता है। अब जल्दी से प्रोसेसर पे बात कर लेते हैं। इसका प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 695 5G है। जिस प्राइस रेंज में ये मोबाइल आ रहा है इसका प्रोसेसर उस प्राइस रेंज को जस्टिफाई करता हुआ है। भाई एक चीज समझिए, ये कम बजट के फोन में एक बहुत अच्छा प्रोसेसर है अपने आप में, बहुत अच्छा स्मूथ आपका एक्सपीरियंस रहेगा। जो भी आप गेम्स वेम्स खेलते हो आप कुछ भी करते हो उसमें ये चीज बहुत ज्यादा स्मूथ रहेगी, कोई लैग नहीं कुछ नहीं, अच्छा बहुत एफिशिएंट फोन होगा ये। अब कैमरे पे आ जाते हैं। इसका कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। मैक्रो कैमरा कौन सा होता है, जो भी फोटोज आप देखते हो जो आप बहुत नजदीक जाकर लेते हो, जो आपने कभी कोई फोटोग्राफी कर रहे हो कोई भी ऑब्जेक्ट की आपको फोटो लेनी है बहुत नजदीक जाके, उसमें मैक्रो कैमरा इस्तेमाल होता है। अच्छा चलो वाइड कैमरा ही बता देते हैं। वाइड कैमरा क्या होता है कि मतलब जो एक सरफेस एक एरिया होता है जो नॉर्मल आपका कैमरा कैप्चर करता है, मगर कुछ एरिया ऐसा होता है जो मतलब साइड का नहीं कैप्चर कर पाता, ये अल्ट्रा वाइड लेंस से अल्ट्रा वाइड कैमरे से आपका वो एरिया भी आराम से कवर कर लेता है। अब फ्रंट कैमरे पे भी आ जाते हैं। इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। इस मोबाइल फोन में लिक्विड कूल कॉपर पाइप भी इस्तेमाल हुआ है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि जैसे कभी कभी मोबाइल देखा है गर्म हो जाता है प्रोसेसिंग होती है, मगर इसके होने से आपका ये जो लिक्विड कॉपर पाइप जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है इसके होने से आपका मोबाइल एक तो गर्म कम होता है और अगर गर्म हो भी रहा है आप एक्सेसिव गेमिंग कर रहे हो तो वो ठंडा जल्दी हो जाता है। और ये जो लिक्विड कूलिंग है ना, आपको पता है ये पहले सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स में आते थे, और आपको सोचिए ये इतने कम बजट में ये फीचर आ रहा है। अब बैटरी पे आ जाते हैं। इसकी बैटरी 5000 mAh की है और आपको मालूम है सिर्फ 40 मिनट की चार्जिंग में 100% चार्ज हो जाता है। और चार्जर के बारे में बता ही दिया है, इसमें 67 वॉट्स का फास्ट चार्जर आता है। इसके स्पीकर्स पे भी बात कर लेते हैं। इसके स्पीकर्स में साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसमें डुअल स्पीकर्स हैं। जैसे नॉर्मल मोबाइल्स में आपने देखा होगा नीचे की तरफ जो डॉट्स होते हैं वहां पर स्पीकर्स होते हैं, मगर इसमें डुअल स्पीकर्स हैं, इसमें नीचे भी स्पीकर्स हैं और ऊपर भी स्पीकर्स दिए गए हैं। एक चीज अच्छी है पोको के बारे में कि ये लोग हेडफोन्स ईयरफोन्स की अहमियत समझते हैं, इन्होंने अभी भी इसमें जैक दिया है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप पहले क्या अभी आप रिसेंटली ये चीज देख रहे हो कि कई मोबाइल फोन्स एप्पल सैमसंग सारे मोबाइल फोन्स में ऑलमोस्ट सब लोग अपने से जो है हेडफोन जैक हटाए दे रहे हैं, मगर इन लोगों ने अभी भी रखा हुआ है। पोको एक्स फोर प्रो के अब हम लोग रैम और स्टोरेज पे बात कर लेते हैं। इसमें रैम्स दो आ रही है, 6 GB रैम आ रही है और 8 GB रैम आ रही है। स्टोरेज की बात करें तो 64 GB की एक स्टोरेज आ रही है और एक स्टोरेज आ रही है आपकी 128 GB। अब प्राइसिंग देख लेते हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा गौर से देखिएगा प्राइसिंग आ कैसे रही है इसकी। 6 GB रैम और 64 GB स्टोरेज आपका आता है 19,000 रुपीस का। 6 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज आपका आता है 20,000 रुपीस। आप देख रहे हो ये वाकई में बहुत कम प्राइसेस हैं। कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मगर फिर भी ये रियल सजेशन है, अगर आप प्लान कर रहे हो तो इस मोबाइल को एक बार जाकर देखना जरूर। इस मोबाइल फोन का ये तीसरा वेरियंट ये दो स्पेसिफिकेशन के साथ बहुत अच्छा हो जाता है बहुत अच्छे बजट में। 22,000 रुपए का यह फोन है और आपको मिलता है 8 GB RAM और 128 GB का स्टोरेज स्पेस विद ऑल दीज थिंग्स। ये वाकई में एक सारी ही फ्लैगशिप वाली क्वालिटीज हैं जो इस मोबाइल फोन में है। कर लो सब्सक्राइब, हर दिन एक नया मोबाइल अच्छे मोबाइल्स के बारे में बता रहे हैं, कौन सा एयरफोन्स लेने चाहिए कौन से लैपटॉप्स लेने चाहिए इन सब पे वीडियोस आने वाली है। सब्सक्राइब्ड रहो और डेली वीडियोस देखो, मजा आ जाएगा।